काले खेती कानूनों के खिलाफ किसान जथेबंदियों के 27 सितंबर यानी कि अज के दिन भारत बंद के ऐलान के चलते साड़ी टीम पहुंची बटाला के पिंड नज़दीकी कस्बा नौशहरा मझा सिंह जिथे माझा किसान संघर्ष कमेटी के बैनर के थले किसानों के वालों सवेरे 6 बजे ही अमृतसर जम्मू कश्मीर नैशनल हाईवे जाम कर दिया गया। इस मौके किसानों के वालों जिथे आम आवाजाई को रोक के रखा गया उत्थे ही एमरजेंसी सेवाओं को जान दिया गया। किसानों ने साड़ी टीम के गलबात करते हुए दसिया कि मोदी सरकार के अड़ियले रवैये के कारण हुण मोदी का विदेशों में भी विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जेकर अजे भी ना मनी तो इस चोणों में जवाब दिता जाएगा क्योंकि जेकर असी इन्हों गद्दी ते बिठा सकते हाँ तो असी ला भी सकते हैं। और दूजे पासे किसानों के वालों पहला ही स्पीकर के खुद बाजारों के जाके दुकानदारों को अपील की गई थी कि वह भारत बंद की कल में अपनी दुकाना बंद रख के उन्हों का साथ देन ताकि केंद्र की सरकार से होर ज्यादा दबाव बनाया जा सके ताकि जल्दी तो जल्दी यह कानून रद्द करवाया जा सकन। जेकर गल की जाए दूसरे वर्ग के दुकानदारों की तो उन्होंने वालों अपनी दुकाना बंद रख के किसानों का भी साथ दिता गया। दर्शन अज संयुक्त मोर्चे की कॉल ही लगभग एक महीने तो वध टाइम हो गया उन्होंने कॉल दी सी कि जड़ा रोड है इनू जाम किया जाएगा पूरी तरह भारत जड़ा इनू बंद किया जाएगा सिर्फ एमरजेंसी सेवावान जड़िया वो चालू रहनगियां ते बाकी सारा कुछ बंद होएगा ता कि इहदे नाल सरकार ते प्रभाव जड़ा वा ये जावे कि किसान जड़े आ वो बिल्कुल एकजुट ने संयुक्त मोर्चे की कॉल के उत्ते जिवें भी कॉल आउंदी आ उस तरह उन्हू इन बिन पूरा कर देने। देखो जी केंद्र सरकार जी है ही सिर्फ कारपोरेट घराने दो जने तो बाकी एक मोदी वोदी आ जे तो पार्टी की सरकार हो फिर तो वे कन्ना जूं सरके क्योंकि विचों आवाज़ पार्टी के उठे तो कोई मने तो पार्टी के कोई किसी की आवाज़ सुनने वाला है नहीं गा इस करके वो कन्ना जूं नहीं सरकती क्योंकि वह डिकटेटर बनया हो वो सोचता कि मैं जिमें मर्जी है देश में चलावगा पर इवें नहीं चलना यह लोकतंत्रिक देश आ 2024 लोग दस देंगे कि वोट का मुल की होंगे है। देखो जी ये जिहड़ियां सरकारां होंदियां स्टेट दियां ये हमेशा सेंटर दे नाल रल के चलदियां ने यह दोगला चेहरा आ इन्हां दा एक पासे कहना किसानां नूं कि असीं तुहाडे नाल आ दूजे पासे सेंटर नूं ये साबित किया कि वेखो असीं 144 धारा जिहड़ी लागू करके तुहाडा जिहड़ा हुक्म आ वजाया आ कि असीं लोकां नूं जिहड़ा आ उह इकट्ठे नहीं होण देवांगे धरना नहीं लाउण देवांगे। वेखो जी इस वेले तो इनू जे धारा 144 लईए तो फिर तो केंद्र दे नाल ही जुड़ी हुई है क्योंकि ये भ्रिष्टाचार सारे लीडर ने ते केंद्र को डरते हैं क्योंकि एजेंसियां सारिया केंद्र दे कोल ने CBI ED सारिया तो जिन्हों मर्जी वो जड़ा वा तौणों फड़ लैंदियां ने। वेखो जी पंजाबी तो जिथे भी कितने देश के जिहड़े भी किसी कंट्री के हैगे ने वो विरोध डट के करनगे जी। पंजाबियों का एक जड़ा आ ये इतिहास आ कि पंजाबी जिन्ना चिर जिहड़ी गल दे पिछे पै जाण जिन्नी देर उसका कोई फैसला ना करन उन्नी देर विरोध नहीं छड़दे। सरकारां हमेशा ही जबर दे नाल मतलब साढ़े सबर परख रही ने असी सोचते सी कि शायद ये नवीं सरकार जिहड़ी चन्नी दी आई है वो किसानां दे नाल थोड़ी बहुत हमदर्दी रखूगी पर जिस तरह वो लकीर दे फकीर हुंदे आ उस तरह ही उन्हें अपना पहले दिन ही अजे कल कैबिनेट ने सहु चुकी आ तो नाल ही सब तो पहला जिहड़ा आर्डिनेंस जारी किया भी सारे पंजाब दी धारा 144 ला दी जाए तो किसानों को प्रदर्शन करने तो रोक दिता जाए पर असी यह गल दस देना चाहते हैं भी तू अज सड़कों उपर निकल के देख जे तेरी गड्डी का एक पैर भी गांड पटे जो तो गल करी सानू इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा सरकारां परचे करन सरकारां साडे ते जबर करन असी हर जबर नू अपने सबर नाल परखण लई तैयार हां। देखो सरकार जी असल मोदी ने आके जरा अपने BJP जोड़ा है ना बिल्कुल खत्म करने वाले पासे लै गए बड़े जोर नाल वाजपेयी ने अडवाणी ने जोड़े पुराने जनसंघ के लीडर से उन्होंने एड्डी एड्डी वी पार्टी खड़ी की सी पर कारपोरेट घराणिया ने आके उन्न एकदम खत्म करता असी BJP के जोड़े सुहिरद वर्कर ने उन्होंने अपील करते हैं भी मोदी का साथ छड़ दौ ता कि जी पिछली कमाई जी सारी जी वो इस पास चल जाए एक उदाहरण होंगी है कि जो एक जो लिफ जाता है वो वधिया रहिंदा आ डंडा है मेरे हाथ में जे तो यह टुटूगा लिखना नहीं जो टुट गया ने दोबारा जोड़ना नहीं इस करके असी ये बेनती करते हैं सारे सरकारी धरां नूं सरकारी हाकमां नूं कि तुसीं टुटण वाले पासे ना जाओ लिफ के अपना टाइम कढ़ लो।